ये विशाल रैली जो दिखाई पड़ती है वो इस बात का सबूत है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यहां पर 8-9 सालों से बीआरएस का जो भ्रष्टाचारी शासन चल रहा है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीआरएस और केसीआर इनके विरोध में ये जन आक्रोश पूरी दुनिया देख रही है। मित्रों, अभी अभी हमारे बंडी संजय को केसीआर ने जेल में डाल दिया है। उनको लगता है कि भाजपा कार्यकर्ता जेल में जाने से डरते हैं। केसीआर कान खोलकर सुन लो, यहां एक एक कार्यकर्ता आपके अत्याचार और जुर्म सहने से डरता नहीं है। हमारी लड़ाई तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक आपको गद्दी से नीचे नहीं उतार देते हैं। तेलंगाना वालों, बंडी संजय कुमार की अरेस्ट से आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? मैं आज पूछना चाहता हूं केसीआर को, क्या गुनाह था बंडी संजय कुमार का? एक ही गुनाह था कि उन्होंने पेपर लीकेज के खिलाफ युवाओं के अधिकार के लिए आवाज उठाई। आपने बंडी संजय कुमार को जेल में डाल दिया, 24 घंटे भी नहीं रख पाए, 24 घंटे में कोर्ट ने बेल देकर रिहा कर। हमारे नेता विधानसभा में एटेला राजेंद्र जी बोलने को खड़े हुए, तुरंत उनको आपने गृह के बाहर कर दिया। क्या समझते हो कि आप बोलने नहीं दोगे तो हम तेलंगाना की जनता को हमारी बात नहीं करेंगे? वहां तो विधानसभा में आपने रोक लिया, आज लाखों लाखों लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हो। माताओं, भाइयों, बहनों, यहां की पुलिस का कंप्लीट पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है, प्रशासन का संपूर्ण राजनीतिकरण हुआ है और वेलफेयर स्कीम भी जो मोदी जी भेजते हैं नीचे तक नहीं पहुंचने देते हैं, नीचे तक नहीं पहुंचने देते। मैं तेलंगाना के गरीबों को कहना चाहता हूं कि अब वो दिन दूर नहीं है। केसीआर कितना भी कर ले वो आपको मोदी जी से दूर नहीं कर सकता। आने वाले चुनाव के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। 2-बेडरूम हॉल किचन की स्कीम में भी माइनॉरिटी का रिजर्वेशन किया, संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा में किया और कई सारी बातें की। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा। मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। बीआरएस का चुनाव चिन्ह क्या है भाई, बताओ तो जरा, क्या है? कार है, कार। ये कार का स्टीयरिंग किसके पास है? अब स्टीयरिंग मजलिस के पास है तो कार की दिशा अच्छी हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? अरे कमल को वोट दीजिए भैया, कमल को वोट दीजिए। कमल पर बैठकर महालक्ष्मी वैभव लक्ष्मी तेलंगाना में उतरेगी।